हिंदुस्तान हिंदुस्तान से लाया हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। हाँ हाँ डॉलर डॉलर सोना हिंदुस्तान। भारत को सोने की चिड़िया जिस जमाने में कहते थे वो बहुत पुराना जमाना था। अरब और ईरान के व्यापारी भारत से व्यापार करते थे, फिर वे माल लेकर यूरोप के देशों में जाते थे। इन व्यापारियों से जब यूरोपवासी सोने की चिड़िया का हाल सुनते तो उनके मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन उन्हें भारत पहुंचने का रास्ता नहीं मालूम था। आखिर एक दिन कोलंबस नामक यात्री भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन अफसोस उसने पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया और वो जा पहुंचा अमेरिका। बस लगभग इन्हीं दिनों पुर्तगाल से भी एक यात्री सोने की चिड़िया खोजने चला था। 22 मई 1498 को उसका जहाज मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा। उस जहाज का कप्तान था वास्को डी गामा। अनेक मुसीबतों से जूझता हुआ वो भारत पहुंचा था। उस समय कालीकट में सामुरी नाम के राजा का शासन था। इतिहास में उसको जेमुरिन के नाम से भी कहा गया है। वास्को डी गामा सामुरी के दरबार में गया। उसने सामुरी को कीमती भेंट दी। सामुरी ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने सामुरी के राज्य में व्यापार करने की इजाजत मांगी, जो तुरंत ही मिल गई। दो ही साल बाद यानी 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कालीकट में एक कोठी बना ली। 3 साल बाद उन्होंने कोठी की किलेबंदी कर ली। वहां अपने सिपाही नियुक्त कर दिए। बहाना ये था कि ये काम वो अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं। वहां एक फौजी अफसर अल्बुकर्क को किलेदार बनाया गया। दरअसल ये पुर्तगालियों की एक चाल थी। सन 1506 में उन्होंने गोवा से बंगाल तक अपना व्यापार फैला लिया। सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में हेक्टर नामक एक जहाज अंग्रेज व्यापारियों को लेकर भारत की ओर बढ़ने लगा। इन्होंने सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर एक व्यापारिक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस हेक्टर जहाज के कप्तान हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में पहुंचकर सबसे पहले घुटनों के बल झुककर जमीन चूमी और बादशाह के प्रति अपना आदर प्रकट किया। इसके बाद उसने इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को दिया। जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। तब सन 1615 में इंग्लैंड के बादशाह ने सर थॉमस रो को मुगल दरबार में अपना पहला राजदूत बनाकर भेजा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना व्यापार फैलाया। उन्होंने पुर्तगालियों की जड़ें कमजोर की, उनके जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। औरंगजेब के समय में तो उन्होंने कोठियां भी कायम कर ली और अपनी हिफाजत के लिए किलेबंदी भी कर ली। इसी बीच भारत में फ्रांसीसी भी आए। उन्होंने भी अपना व्यापार फैलाया और जड़ें जमानी शुरू कर दी। उस समय उनका मुखिया था दुमास। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने कर्नाटक पर हमला किया। फ्रांसीसी कंपनी के मुखिया ने अपने सिपाहियों के जरिए कर्नाटक के नवाब की मदद की। मराठे हार गए। कर्नाटक और दिल्ली के बादशाह दोनों ने खुश होकर दुमास को नवाब की उपाधि दे दी। 2000 सवारों का सेनापति भी बना दिया। सन
1741 में दुमास की जगह डुप्ले नामक फ्रांसीसी कंपनी का हाकिम बन गया। ये बहुत चतुर सेनापति था। दरअसल डुप्ले पहला यूरोपवासी था जिसके मन में भारत में यूरोपीय साम्राज्य कायम करने की बात आई। डुप्ले ने उस समय के भारत की दो कमजोरियों का फायदा उठाया। एक तो ये कि यहाँ के देशी राजा नवाब आपस में लड़ रहे थे, दूसरे ये कि उस समय राष्ट्रीयता की भावना लोग भूल गए थे। डुप्ले ने इसी फूट का फायदा उठाया। अंग्रेजों ने भी इस नीति का फायदा उठाया। उन्होंने न सिर्फ फ्रांसीसियों को कमजोर किया बल्कि देशी राजाओं को लड़ाने और फिर उनमें से किसी एक की मदद करने की नीति अपनाई। बाद में उस मदद लेने वाले राजा को भी उन्होंने अपने प्रभाव में ले लिया। अब देखिए बंगाल में क्या हुआ। ये बात है 1755 की। उस समय बंगाल में नवाब अली वर्दी खां का शासन था। अंग्रेजों ने अमीचंद नामक व्यापारी से मिलकर बंगाल पर हमला करने की तैयारी की, लेकिन बंगाल के शासक अली वर्दी खां ने उनकी एक भी चाल न चलने दी। लेकिन अली वर्दी खां बूढ़ा हो चुका था। उसने एक दिन अपने नवासे सिराजुद्दौला को अपने पास बुलाया। सिराजुद्दौला उस समय 24 बरस का था और वही अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी भी था। अली वर्दी खां ने सिराजुद्दौला से कहा, बेटे, मुल्क के अंदर यूरोपियन कौमों की ताकत पर नजर रखना। रियासतों के घरेलू झगड़ों के बहाने इन लोगों ने मुगल शहंशाह का मुल्क और शहंशाह की रियाया का धन माल छीन कर आपस में बांट लिया है। इन तीनों यूरोपियन कौमों को एक साथ कमजोर करने का ख्याल ना करना। अंग्रेजों की ताकत बढ़ गई है मेरे बेटे। उन्हें किले बनाने या फौजों को रखने की इजाजत ना देना। अगर तुमने ये गलती की तो मुल्क तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अली वर्दी खां की मृत्यु 10 अप्रैल 1756 को हुई और सिराजुद्दौला अपने नाना की गद्दी पर बैठा। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई। इस जीत में सेनापति मीर जाफर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी जिसने अपने मालिक सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला के तख्त पर वो बड़ी शान से बैठ गया। इसके बदले मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगने की जागीरदारी सौंप दी। लेकिन मीर जाफर अपनी गद्दी पर एक दिन भी चैन से न बैठ सका। वो एक कमजोर, अयोग्य और नासमझ शासक सिद्ध हुआ। वो अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। क्लाइव की इच्छा के खिलाफ वो कोई काम नहीं कर सकता था। अंग्रेजों की बढ़ती हुई जातियों से तंग आकर मीर जाफर ने अपने नौजवान दामाद मीर कासिम को कलकत्ते भेजा ताकि वो अंग्रेजों से बातचीत करे और उनका दबाव कुछ कम हो जाए। लेकिन अंग्रेजों ने नई चाल चली और मीर कासिम को अपनी ओर मिला लिया। ये तय किया गया कि मीर कासिम को वजीर बनाकर उसे तमाम अधिकार दे दिए जाएं और मीर जाफर को खर्च के लिए कुछ रकम बतौर पेंशन दे दी जाए। 20 अक्टूबर 1760 को सूरज निकलने से पहले मीर जाफर का महल अंग्रेजों की फौजों ने घेर लिया।
मीर जाफर को जब अंग्रेजों की नई चाल का पता चला तो वो किस तरह परेशान हुआ, इसका एक चित्र अंग्रेज इतिहासकार कर्नल मालसन के शब्दों में। उस सुबह को बूढ़े नवाब को उस दिन की अवश्य याद होगी जब उसने प्लासी के मैदान में अंग्रेजों का साथ दिया था और अपने मालिक तथा रिश्तेदार सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। मीर जाफर अवश्य इस समय सोचता होगा कि यदि प्लासी में मैं अपने उस बालक रिश्तेदार के साथ वफादार रहा होता जिसने अत्यंत हसरत भरे शब्दों में मुझसे अपनी पगड़ी की लाज रखने की प्रार्थना की थी तो मेरी हालत कितनी अच्छी होती। जिस सत्ता को मैंने इतने नीच और गलत तरीके से प्राप्त किया था उससे मुझे क्या फायदा पहुंचा? वे लोग जिनके हाथ मैंने अपना मुल्क बेचा था आज वे मुझे डरा रहे हैं। जो गुस्ताख विदेशी प्लासी से अब तक मुझ पर हुक्म चलाते रहे और जो अब मुझे गद्दी से उतारने की धमकी दे रहे हैं, यदि प्लासी में मैंने उनके नाश की वजह बनने का यश प्राप्त कर लिया होता तो इस समय मेरे हाथों में असली हुकूमत होती, मेरा नाम इज्जत से लिया जाता और मेरा मुल्क बच गया होता। आखिर मीर जाफर को अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़े और अंग्रेजों की नींव और मजबूत होने लगी। उन्होंने मीर कासिम से बंगाल के 3 जिले और ले लिए, साथ ही 3 करोड़ रुपए का सोना आदि वसूल किया। सन 1759 में दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह शाह आलम बैठा। अंग्रेजों ने अपनी चालों से शाह आलम को अपनी ओर मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। उस समय सारे भारत पर अपनी हुकूमत जमा लेने के लिए अफगानों, मराठों और अंग्रेजों के बीच तिकोना संघर्ष शुरू हो चुका था। देश को विदेशी सत्ता के चंगुल से बचाने का उस समय एक ही उपाय था कि सभी देशवासी किसी एक शक्ति के नेतृत्व में संगठित हो जाते। वो शक्ति थी मुगल सम्राट। किंतु इसी बीच यानी 6 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। मराठे तो हार गए पर अब्दाली को भी जीत के बावजूद काफी नुकसान उठाना पड़ा। वो अफगानिस्तान लौट गया और इधर मराठे कमजोर हो गए। बच रहे केवल अंग्रेज जिन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपया देने का वादा करके इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दें। मजबूर होकर शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी, जिसका मतलब ये था कि मालगुजारी वसूल करने और दीवानी के मामले निपटाने का अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। सन 1765 से 1772 तक बंगाल में अंग्रेजों का ये शासन इतना भयानक था कि उसने बंगाल को चूसकर कंकाल बना दिया। सारे बंगाल में तबाही, गरीबी, भुखमरी और अकाल फैल गए। चारों ओर मौत नजर आने लगी। सन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर बनकर कलकत्ता आया। इतिहासकार कहते हैं कि क्लाइव ने देश में अंग्रेजी राज की जो बुनियाद रखी थी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने उसे और भी पक्का किया। उसके सामने एक ही बात थी, चाहे ईमानदारी से हो या बेईमानी से, जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी भारत की अधिक से अधिक दौलत को इंग्लैंड भेज दिया जाए। अब आइए महाराष्ट्र की ओर चलें। ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती हुई ताकत और सत्ता के लिए मराठों की ताकत
आंख का कांटा बनी हुई थी, इसलिए अंग्रेजों ने एक चाल खेली। उस समय पेशवा की गद्दी पर रघुनाथ राव बैठा हुआ था, क्योंकि गद्दी का असली मालिक उसका भतीजा नारायण राव अभी नाबालिग था। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को युद्ध का झूठा भय दिखाकर अपनी ओर मिला लिया। इस तरह मराठा दरबार में उनका आना जाना शुरू हो गया। किंतु पेशवा के दरबार में उन दिनों एक बहुत दूरदर्शी और चतुर व्यक्ति मौजूद था, जो अंग्रेजों की सारी चालों को समझ रहा था। वो व्यक्ति था नाना फडणवीस। वो समझ रहा था कि राघोबा मराठा साम्राज्य की नींव कमजोर कर रहा है, पर राघोबा ने उसकी बात नहीं मानी। 30 अगस्त 1773 को राघोबा ने पेशवा नारायण राव की हत्या करवा दी। इस साजिश में अंग्रेजों का पूरा पूरा हाथ था। राघोबा अंग्रेजों की हाथ की कठपुतली बन चुका था। नाना फडणवीस ने मराठा राज्य को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने की भरसक कोशिश की। इतिहासकार कहते हैं कि नाना फडणवीस ने कर्नाटक के वीर हैदर अली से मिलकर जिस तरह अंग्रेजों की चालों को नाकाम करने की कोशिश की थी, उसमें अगर उसे सफलता मिल जाती तो उस समय देश से विदेशी सत्ता का अंत हो गया होता। किंतु अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया। कर्नाटक के दो वीरों की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बड़े सम्मान से लिखी गई है। ये वीर थे हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। हैदर अली एक मामूली फकीर का बेटा था। हैदर अली ने बचपन से ही घुड़सवारी, निशानाबाजी, हथियार चलाना और लड़ाई के तौर तरीके सीख लिए थे। बड़ा होकर हैदर अली मैसूर की फौज में भर्ती हो गया। हैदर अली की वीरता और साहस ने कुछ ही समय में उसे मैसूर का प्रधान सेनापति बना दिया। उस समय रियासत का प्रधानमंत्री एक मराठा सरदार खांडेराव था। उसने मराठों से चुपचाप मिलकर मैसूर पर हमला करवा दिया। इस युद्ध में हैदर अली ने विजय पाई और खांडेराव के विश्वासघात का सबको पता चल गया। मैसूर के महाराजा ने प्रसन्न होकर हैदर अली को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। उधर अंग्रेज भला ये कैसे सहन कर सकते थे कि हैदर अली की ताकत बढ़े। उन्होंने हैदर अली से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। कर्नाटक के कई किले खाली करवाए गए और उन्हें जीत लिया गया। हैदर अली के बेटे फतेह अली टीपू की उम्र उस समय 18 वर्ष की थी। तब भी अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में वो मौजूद रहता था। कर्नाटक को अंग्रेजों से खाली कराने और उस पर अधिकार करने के बाद हैदर अली ने टीपू को 5000 सैनिकों के साथ मद्रास की ओर भेजा, जहां अंग्रेजों का जमाव था। टीपू ने मद्रास के किले से 5 मील दूर सेंट थॉमस की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया और आसपास के अंग्रेजी इलाके को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद हैदर अली भी अपनी सेना लेकर मद्रास की ओर बढ़ा। मद्रास में अंग्रेजों का क्या हाल हुआ, इसका रोचक विवरण एक फ्रांसीसी इतिहासकार ने प्रस्तुत किया है। वो लिखता है, मद्रास विजय के अवसर पर हैदर ने अंग्रेजों से कहकर मद्रास के सेंट जॉर्ज के किले के सदर फाटक पर एक चित्र बनवाया, जिसमें हैदर एक शामियाने के नीचे तोपों के ढेर पर बैठा है। पीछे की ओर सेंट जॉर्ज का किला है, जिसकी फसील पर गवर्नर और उसके अंग्रेज साथी घुटनों के बल बैठे हुए हैदर की ओर अपने हाथ बढ़ा रहे हैं। अंग्रेज दूत डुप्ले और बॉशियर हैदर के सामने जमीन पर घुटने टेके बैठे हैं। डुप्ले की नाक की जगह हाथी की सी सूंड बनी हुई है। हैदर उसकी सूंड को पकड़े हुए हैं, जिसमें से अशर्फियां खनाखन गिर रही हैं।
दूसरी ओर पराजित अंग्रेज सेनापति जनरल स्मिथ संधि पत्र हाथ में लिए हुए अपने हाथ से अपनी तलवार के दो टुकड़े कर रहा है। अंग्रेजों की इस हार का असर यह हुआ कि इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्सों की दर गिरकर 40% रह गई। हैदर और टीपू की विजय की खबरें पहुंचते ही इंग्लैंड में कंपनी की साख गिरने लगी। इसके बाद हैदर अली ने नाना फडणवीस के साथ मिलकर जिस तरह अंग्रेजों को मात दी थी उससे अंग्रेज घबरा उठे थे। लेकिन 6 दिसंबर 1782 की रात को हैदर अली की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे नाना फडणवीस की सारी आशाएं चूर चूर हो गईं, जबकि अंग्रेजों के लिए हैदर अली की मृत्यु वरदान साबित हुई। हैदर अली के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान कर्नाटक का शासक बना। अंग्रेजों ने उसे भी चैन से न बैठने दिया, उसको बदनाम किया, उसके साथ धोखा किया और उसे युद्ध में उलझाए रखा। लेकिन टीपू भी अंग्रेजों के लिए बड़ी दहशत था। अंग्रेज उसके नाम से खौफ खाते थे, किंतु अंत में वो भी अपने ही लोगों के विश्वासघात का शिकार हुआ। अपनी अंतिम सांस तक वो बहुत बहादुरी से लड़ा। वो कहा करता था, 2 दिन शेर की तरह जीना ज्यादा अच्छा है बजाय 200 वर्ष भेड़ की तरह जीने के। श्रीरंगपट्टम स्थित टीपू की कब्र आज भी उसके साहस और वीरता के गुण गाती है। दिल्ली के बादशाह शाह आलम के समय तक अंग्रेज अपने को बादशाह की प्रजा कहा करते थे। गवर्नर जनरल की मोहर पर भी दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द लिखे रहते थे। जब भी कोई अंग्रेज अफसर, चाहे वो गवर्नर जनरल ही क्यों ना हो, शाह आलम के दरबार में जाता था तो अदब के साथ खड़ा होता था और उन्हें भेंट देता था। सन 1785 में महाराजा माधोराव सिंधिया ने दिल्ली पर अपना प्रभाव जमा लिया था। मुगल सम्राट के सारे अधिकार माधोराव सिंधिया के पास आ गए थे और इसके बदले शाह आलम को केवल 6 लाख रुपया सालाना दिए जाने लगे। शाह आलम सिंधिया परिवार के व्यवहार से कितना खुश था, इसका परिचय सम्राट की एक कविता से मिलता है, जिसका अर्थ है, माधो जी सिंधिया जो मेरे जिगर का टुकड़ा और मेरा बेटा है, मेरे दुखों को दूर करने में लगा हुआ है। कंपनी के जनरल मार्क्विस वेलेसली ने फूट डालकर अपना काम निकालने की नीति में अब तक काफी सफलता पाई थी। यहाँ भी उसने यही किया। मुगल बादशाह शाह आलम को उसने मराठों के खिलाफ भड़काया और इस तरह दिल्ली मराठों से खाली हो गई। दिल्ली पर कंपनी की सेना का अधिकार हो गया। बादशाह शाह आलम के खर्च के लिए 12 लाख रुपए सालाना दिए जाने लगे। उधर अवध में अंग्रेजों ने नवाब वजीर अली को कैद करके बनारस भेज दिया और उसकी जगह सादत अली को नवाब बना दिया। सादत अली और अंग्रेजों के बीच चिरस्थायी दोस्ती की संधि लिखी गई, लेकिन जल्दी ही अंग्रेजों का दबाव बढ़ने लगा। सादत अली के सभी अधिकार और आमदनी के जरिए छीने जाने लगे। नवाब सादत अली ने कंपनी के रेजिडेंट मिस्टर स्टॉक के जरिए जनरल वेलेसली को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि कंपनी सरकार अपनी ही शर्तों को तोड़ रही है। लेकिन वेलेसली ने कहा, नवाब का यह खत इतने गुस्ताखी भरे शब्दों में लिखा हुआ है कि मैं इसे लेने से इनकार करता हूँ। यह खत नवाब को वापस कर दिया जाए और अगर नवाब ने फिर भी
इसी तरह अंग्रेज सरकार की इंसाफ पसंदी और ईमानदारी पर शक जाहिर किया तो उसे सजा दी जाएगी। अंग्रेज चाहते थे कि किसी तरह मराठों को कमजोर कर दिया जाए। महाराजा दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर दो ऐसे वीर थे जो उनकी आंख का कांटा बने हुए थे। अंग्रेजों ने जब इन दोनों के खिलाफ चालें चली तो ये दोनों एक हो गए। इस पर अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने पहले दौलत राव सिंधिया से संधि की और ताप्ती और चंबल के बीच में सिंधिया ने जो इलाका जीता था वो उनका ही मान लिया गया। चंबल नदी महाराज सिंधिया के राज्य की सीमा मान ली गई। इसी तरह जसवंत राव होलकर से भी संधि कर ली गई। ताप्ती और गोदावरी के दक्षिण का सारा इलाका होलकर को वापस दे दिया गया। दक्षिण भारत में एक वीर जाति थी पिंडारी। अंग्रेज इतिहास लेखकों ने वीर पिंडारियों के चरित्र पर अनेक झूठे इल्जाम लगाए और उन्हें डाकू और लुटेरा कहकर बदनाम किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिंडारी दक्षिण भारत की एक पठान जाति थी। पिंडारी दक्षिण भारत के राजाओं की सेवा में सवार हुआ करते थे। इनके पास अपने घोड़े होते थे। नसरू खां पिंडारी शिवाजी का एक विश्वस्त जमादार था। होलकर और सिंधिया की सेनाओं में भी हजारों पिंडारी योद्धा और सरदार मौजूद थे। हीरा खां पिंडारी और बुरान खां पिंडारी माधोजी सिंधिया के दो विश्वस्त और योग्य सेनापति थे। दौलत राव सिंधिया की सेना में भी सरदार चीतू खां और करीम खां पिंडारी थे जिन्हें नवाब की उपाधि मिली हुई थी। होलकर राज्य में रहने वाले पिंडारी होलकर शाही और सिंधिया के राज्य में रहने वाले सिंधिया शाही कहलाते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की ताकत को कम करने के लिए पिंडारियों को नष्ट करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने उन्हें लुटेरा और डाकू कहा, उनमें फूट फैला दी और इस तरह आपसी झगड़ों में उलझाकर उन्हें खत्म कर दिया गया। दिल्ली में शाह आलम की मृत्यु के बाद उसका बेटा अकबर शाह गद्दी पर बैठा, पर जैसी कि अंग्रेजों की नीति थी उन्होंने उससे जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने से वे मुकर गए। अकबर शाह ने अपनी शिकायतों को इंग्लैंड के दरबार में पहुंचाने के लिए राजा राम मोहन रॉय को भेजा, पर वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेजों का प्रभाव बराबर बढ़ रहा था। कंपनी ने मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स को कंपनी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। उसने अपना पद संभालने के बाद एक नया काम शुरू किया, भारत के उद्योग धंधों को नष्ट करना और भारत के धन से इंग्लिस्तान के उद्योग धंधों को बढ़ाना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें कहा गया था कि इंग्लिस्तान का बना हुआ माल भारतवासियों के सिर मढ़ा जाए और भारत के प्राचीन उद्योग धंधों का नाश किया जाए। भारत की भयंकर दरिद्रता और गरीबी की कहानी यहीं से शुरू होती है। सूरत में बनने वाले कपड़े और जुलाहों के साथ क्या होता था उसका हाल एक अंग्रेज लेखक रिचर्ड्स ने लिखा है। अब तो ये कपड़ा सिर्फ हमको बेचेगा, कंपनी का रेजिडेंट व्यापारी ही इसको खरीदेगा, हमें इसकी जो कीमत देगा वही तुम्हें लेना पड़ेगा। नहीं, हम तुमको नहीं बेचेंगे, इस कपड़े के हमको बहुत दाम मिलते हैं। तुम 10 रुपए का माल 1 रुपए में खरीदते हो। क्या बोला, कंपनी के खिलाफ बोलता? नहीं बेचूंगा कपड़ा, नहीं बेचूंगा कपड़ा, मैं अपना धंधा छोड़ दूंगा लेकिन कंपनी को कपड़ा नहीं दूंगा। जुलाहों से इतनी जबरदस्ती की जाती थी, इतनी सजाएं दी जाती थी कि न जाने कितने जुलाहों ने अपना पेशा छोड़ दिया, पर उन्हें पेशा छोड़ने से भी रोका जाता था। बंगाल में भी इसी तरह के जुल्म जुलाहों पर हो रहे थे, मगर वे उतना काम नहीं कर पाते थे जितना कंपनी के गुमाश्ते जबरदस्ती उन पर मर देते थे। इसीलिए उनका माल असबाब लेकर भी उसी जगह नीलाम कर दिया जाता था।
कच्चे रेशम के धागे लपेटने वालों पर इतना जुल्म किया जाता था कि कई जुलाहों ने उन जुल्मों से तंग आकर हाथों के अंगूठे तक काट दिए, जिससे रेशम का धागा न बनाना पड़े। धीरे धीरे भारत का कागज उद्योग, चीनी उद्योग, भारतीय जहाजरानी, लोहा उद्योग आदि सभी नष्ट कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार की कोशिशों का ये फल निकला कि भारत संसार का एक गरीब देश बन गया। भारत के प्राचीन उद्योग केवल इतिहास की बात बनकर रह गए। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जहां भारत के उद्योग नष्ट किए, दौलत को लूटा, वहीं ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ाने की उसकी भूख भी बराबर बढ़ रही थी। वो मराठों की ताकत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। उस समय पूना में बाजीराव पेशवा का शासन था। अंग्रेजों ने दोस्ती के नाम पर उससे धोखा किया और युद्ध का बहाना ढूंढने लगे। 30 अक्टूबर 1817 को अंग्रेजों की सेना ने पूना के पास डेरा डाल दिया। मराठों ने समझ लिया था कि अंग्रेज अब तक दोस्ती की जो बातें कर रहे थे वे सब झूठ थीं। वे तो युद्ध ही करना चाहते हैं। बापू गोखले पेशवा की सेना के प्रधान सेनापति थे। वे एक अत्यंत देशभक्त, युद्ध कुशल और वीर सेनापति थे। 5 नवंबर 1817 को खड़की के पास मराठों और अंग्रेजों की सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बालाजी पंतनाथ और यशवंतराव घोरपड़े जैसे विश्वासघातियों के सामने बापू गोखले की सेना कहां टिकने वाली थी। बापू गोखले अंत समय तक अंग्रेजों से मुकाबला करते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेज जानते थे कि मराठे सरदार इतनी जल्दी पेशवा के शासन का अंत नहीं होने देंगे, इसलिए उन्होंने बाजीराव के खिलाफ एक और चाल चली। सतारा के नाबालिग राजा प्रताप सिंह की मां को उन्होंने वादा किया कि पूरे मराठा साम्राज्य के वास्तविक अधिकारी के रूप में उसने ऐलान जारी कर दिया। सुनो सुनो सुनो, शिवाजी महाराज के वंशज सतारा के राजा प्रताप सिंह का ऐलान सुनो। अंग्रेज हमारा दोस्त है, बाजीराव पेशवा से कोई किसी तरह का संबंध ना रखे। हर आम और खास का फर्ज है कि इस लड़ाई में वो अंग्रेजों की मदद करे। इस ऐलान से बाजीराव पेशवा की स्थिति काफी कमजोर हो गई। उसने मजबूर होकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। दिल्ली में सम्राट अकबर शाह ने बहुत कोशिश की कि उसको खर्च की रकम ज्यादा दी जाए, लेकिन अंग्रेज उसे इसके बदले नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। वे अकबर शाह का अपमान करने लगे। इससे अकबर शाह और उसके साथियों में अंग्रेजों के लिए नफरत बढ़ने लगी। सन 1837 में अकबर शाह की मृत्यु हो गई। उसका बेटा बहादुर शाह अपने पिता के सिंहासन पर बैठा। सम्राट बहादुर शाह ने भी अपने खर्च की रकम को बढ़वाना चाहा, लेकिन उसे जवाब मिला, अगर आप अपने बचे खुचे अधिकार कंपनी को सौंप दें तो आपके खर्च की रकम बढ़ा दी जाएगी। लेकिन बहादुर शाह ने इसे नहीं माना। इससे जहां बहादुर शाह के दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत बढ़ी, वहीं अंग्रेज इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह दिल्ली की बादशाहत को ही क्यों ना खत्म कर दिया जाए। बहादुर शाह ने यह भी चाहा कि बेगम जीनत महल के पुत्र जवां बख्त को युवराज नियुक्त कर दिया जाए। बेगम जीनत महल एक योग्य बेगम थी, उनमें संगठन शक्ति बड़ी जबरदस्त थी, इसलिए अंग्रेज उनसे घबराते थे और उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार न थे। जाहिर है
कि बेगम जीनत महल के शहजादे जवां बख्त को वो कैसे युवराज बनने देते। बादशाह बहादुर शाह ने अपने शहजादों के दस्तखतों से अंग्रेजों को खत भिजवाया कि वे चाहते हैं कि शहजादे जवां बख्त को युवराज बना दिया जाए। इस पर अंग्रेजों ने एक नई चाल खेली। उन्होंने एक शहजादे मिर्जा कोयाश को अपनी ओर मिला लिया। उससे ये समझौता कर लिया कि उसे केवल शहजादा कहा जाएगा। वो दिल्ली का किला खाली कर देगा और सिर्फ 15,000 रुपए मासिक पेंशन लेगा। अंग्रेजों ने सन 1856 में बहादुर शाह को भेंट और नजर देना बंद कर दिया। उन्होंने गवर्नर जनरल की मुहर पर से दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक शब्द निकाल दिए। बादशाह की खुलेआम उपेक्षा होने लगी। कंपनी का जो सिक्का बादशाह के नाम पर ढाला जाता था वो भी बंद कर दिया गया। बहादुर शाह के साथ होने वाले इस दुर्व्यवहार का फल ये हुआ कि बहादुर शाह और दिल्ली की जनता में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। इसी चिंगारी ने 1857 में ज्वालाओं का रूप ले लिया था। 1857 जबकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, लेकिन ये संग्राम किसी एक घटना का परिणाम न था, बल्कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते हुए प्रभाव और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे जुल्मों का फल था। एक ओर दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर के मन में अंग्रेजों के प्रति घोर घृणा बैठ चुकी थी, तो दूसरी तरफ वो हर समय इसी चिंता में डूबे रहने लगे कि किस प्रकार मुल्क से अंग्रेजों को निकाला जाए। उधर अवध में नवाब वाजिद अली शाह का शासन समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को बहुत बदनाम किया। सच तो यह है कि वाजिद अली शाह ने गद्दी पर बैठते ही सेना को सुधारने के लिए बड़े कड़े नियम बनाए थे। वे रोज सवेरे अपनी सेना से कवायद करवाते थे और खुद भी घोड़े पर मौजूद रहते थे। कंपनी के अफसरों को नवाब की हरकतें भला कैसे पसंद आती। लॉर्ड डलहौजी की आज्ञा से लखनऊ का रेजिडेंट आउटरम वाजिद अली शाह से मिलने आया है। नवाब साहब, कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी चाहते हैं कि आप इस कागज पर दस्तखत कर दें। क्या लिखा है इसमें? आप खुद पढ़ लीजिए। मैं वाजिद अली शाह खुशी से अपनी सल्तनत कंपनी को देने के लिए राजी हूँ। नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। आपका भलाई इसी में है कि आप दस्तखत कर दें। कंपनी सरकार से झगड़ा करना अच्छा नहीं। ले जाइए इसे और कंपनी सरकार को हमारा फैसला सुना दीजिए। 3 दिन बाद कंपनी की सेना लखनऊ के महल में जबरदस्ती घुस गई। महलों को लूटा गया, बेगमों का अपमान किया गया। वाजिद अली शाह को कैद करके कलकत्ते भेज दिया गया और पूरे अवध पर कंपनी का कब्जा हो गया। लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति ने भी 1857 की क्रांति के बीज बोए थे। डलहौजी ने भारतीय नरेशों पर यह पाबंदी लगाई थी कि अगर उनके अपना पुत्र न हो तो वे कंपनी की मंजूरी के बिना किसी को गोद लेकर राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। अपनी इस नीति के जरिए डलहौजी ने किसी न किसी बहाने से बहुत से रियासतों को कंपनी के अधिकार में ले लिया था। सतारा, पंजाब, नागपुर, सिक्किम, संबलपुर आदि रियासतें इसी तरह ली गईं। किंतु सबसे विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हुई झांसी में।
झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हुई। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने ही कुल के एक बालक दामोदर राव को गोद लिया था और कंपनी को इसकी सूचना दी थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी तो झांसी को हड़पना चाहता था। 13 मार्च 1854 को एक ऐलान द्वारा झांसी की रियासत जबरदस्ती कंपनी के राज में मिला ली गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने डलहौजी के आदेश का कड़ा विरोध किया। उधर दक्षिण में पेशवा बाजीराव के गोद लिए पुत्र नाना साहब के साथ भी कंपनी सरकार कुछ कम अन्याय न कर रही थी। इससे नाना साहब के दिल में अंग्रेजों के लिए घृणा पैदा हो गई। 1857 की स्वतंत्रता क्रांति का एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके लोगों को अपने खिलाफ कर लिया था। इससे चारों ओर असंतोष फैल चुका था। देश के तमाम वीर नेता विद्रोह के लिए तैयार थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बिहार केसरी बाबू कुंवर सिंह, नाना साहब पेशवा, सभी के दिल में क्रांति की आग सुलग चुकी थी। बहादुर शाह जफर ने देश के इन तमाम लोगों से संपर्क किया और क्रांति के लिए उन्हें तैयार किया। उधर बिठूर में नाना साहब के सलाहकार अजीमुल्ला खान ने क्रांति के लिए एक गुप्त संगठन बनाया और इस तरह दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चय किया। इस विशाल गुप्त संगठन के लिए धन की कमी न थी। बैरकपुर से पेशावर तक और लखनऊ से सतारा तक हजारों राष्ट्रीय फकीर और साधु घूम घूम कर एक एक गांव और एक एक पलटन में स्वतंत्रता संग्राम का प्रचार करने में जुट गए थे। उस समय क्रांति के 5 मुख्य केंद्र थे: दिल्ली, बिठूर, लखनऊ, कलकत्ता और सतारा। क्रांति के इस प्रचार में तमाशा, पवाड़ों, लावनियों और कठपुतलियों, नाटकों आदि का सहारा भी लिया गया। फकीर और साधु प्रचारकों को सवारी के लिए हाथी और मदद के लिए सिपाही दिए गए थे। सन 1857 के शुरू के दिनों में नाना साहब और अजीमुल्ला खां तीर्थ यात्रा के बहाने बिठूर से निकले। नाना साहब का भाई बाला साहब भी उनके साथ था। सबसे पहले ये लोग दिल्ली पहुंचे। लाल किले के दीवाने खास में सम्राट बहादुर शाह, बेगम जीनत महल और दिल्ली के मुख्य नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मंत्रणाएं हुई। इसके बाद नाना साहब अंबाला, लखनऊ, कालपी होते हुए बिठूर पहुंचे। सन 1857 की क्रांति के लिए नेताओं ने अपने संगठन के 2 मुख्य चिन्ह तय किए थे: कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल उन सब पलटनों में घुमाया जाता था जो इसमें शामिल थी। किसी एक पलटन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पलटन में जाता था। उस पलटन भर में हाथों हाथ वो फूल सबके हाथों से निकलता था। जिसके हाथ में वो सबसे अंत में आता था, उसका कर्तव्य होता था कि वो अपने पास की दूसरी पलटन तक उस फूल को पहुंचा दे। इसका गुप्त अर्थ ये लिया जाता था कि उस पलटन के सब सिपाही क्रांति के लिए तैयार हैं। इस तरह से हजारों कमल पेशावर से बैरकपुर तक तमाम पलटनों में घुमाए गए। रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार के पास ले जाता था। उस चौकीदार का कर्तव्य होता था कि वो उस रोटी में से थोड़ी सी खुद खाकर
बाकी गांव के दूसरे लोगों को खिला दे। फिर गेहूं या दूसरे आटे की उसी तरह की रोटियां बनवा कर वो अपने पास के गांव तक पहुंचा दे। इसका मतलब ये होता था कि उस गांव की जनता राष्ट्रीय क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार है। नाना साहब की यात्रा के दौरान ही सारे देश में क्रांति का दिन 31 मई तय किया गया था, किंतु इस तिथि की सूचना हर केंद्र के केवल मुख्य मुख्य नेताओं को और हर पलटन के 3-3 अफसरों को दी गई थी। बाकी लोगों से कहा गया था कि वे अपने नेताओं के संकेत का इंतजार करें। उधर बैरकपुर छावनी में एक विस्फोटक घटना हुई। अरे पंडित जी, जरा अपना लोटा तो दे दो, पानी पीना है। मैं अपना लोटा कैसे दे सकता हूँ, अशुद्ध नहीं हो जाएगा? अरे अब जात पात का घमंड छोड़ो पंडित जी, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, अब तो तुम्हें अपने दांतों से गाय और सुअर की चर्बी काटनी होगी। हाँ, क्या बकते हो? सही कह रहा हूँ पंडित जी, अब जो नए कारतूस बने हैं उनमें जानबूझकर ये दोनों चीजें लगाई जा रही है। हाँ, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों ने उस समय की हिंदुस्तानी फौज में चिंगारी का काम किया। फरवरी 1857 में बैरकपुर छावनी के 19 नंबर पलटन के सिपाहियों को नए कारतूस दिए गए। सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 19 नंबर पलटन में एक सिपाही था मंगल पांडे, वो इस घटना से बहुत भरा हुआ था। 29 मार्च 1857 को पलटन को परेड मैदान पर बुलाया गया। अभी पलटन आकर खड़ी हुई ही थी कि अपनी भरी हुई बंदूक लेकर मंगल पांडे सामने कूद पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, भाइयों आओ, आप पीछे क्यों रहते हो? आओ, मैं आपको धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आजादी पुकार रही है कि हम फौरन अपने धोखेबाज दुश्मनों पर हमला बोल दें, रुकने का समय नहीं है। सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया जाए, पर सिपाही एक बार मंगल पांडे को देखते और एक बार अंग्रेज अफसर को, अगले ही क्षण मंगल पांडे की बंदूक से गोलियां चल पड़ी। मेजर ह्यूसन की लाश वहीं गिर पड़ी। लेफ्टिनेंट बॉग भी मरा नहीं था, उसने मंगल पांडे पर पिस्तौल से गोली चलाई, पर मंगल पांडे बच गए। इसके बाद मंगल पांडे तलवार निकालकर बॉग पर टूट पड़े और उसे मार दिया। थोड़ी देर में एक और अंग्रेज अफसर आया, उसने पांडे पर हमला करना चाहा तो एक सिपाही ने बंदूक का कुंदा उसके सर पर दे मारा। सारे सिपाही चिल्ला उठे, मंगल पांडे को हाथ मत लगाओ। इसके बाद एक बड़ा अफसर जनरल हियर्स गोरे सिपाहियों को लेकर आया। मंगल पांडे कह रहे थे, भाइयों अब खड़ा भर चुका है, आप लोग विद्रोह का झंडा उठाएं। लेकिन सिपाही कुछ नहीं बोले। जब मंगल पांडे ने देखा कि सिपाही कुछ नहीं कर रहे हैं और वो अंग्रेज सैनिकों से घिर गया है, तो उसने अपने सीने में बंदूक दाग ली और वहीं गिर पड़े, पर मरे नहीं। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में उनका इलाज हुआ। 6 मई 1857 मेरठ छावनी में 90 हिंदुस्तानी सवारों की एक कंपनी को प्रयोग के तौर पर नए किस्म के कारतूस दिए गए। ये वही कारतूस थे जिनके बारे में कहा गया था कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। इन कारतूसों को दांत से काटकर चलाना था। 90 में से 85 सिपाहियों ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इन 85 सिपाहियों का कोर्ट मार्शल हुआ। आज्ञा ना मानने के जुर्म में उन्हें 8 से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 9 मई की सुबह उन 85 बंदी सिपाहियों को
परेड मैदान में लाकर खड़ा किया गया। उनके सामने गोरी फौज और उसके साथ तोपखाना भी खड़ा किया गया। इस दृश्य को दिखाने के लिए छावनी के बाकी सिपाहियों को भी बुलाया गया ताकि वो भी सबक लें। बंदी बनाए गए सभी 85 सिपाहियों की वर्दियां उतरवा ली गईं, बेड़ियां डाल दी गईं। इस तरह अपमानित करके उन्हें जेलखाने ले जाया गया। अपने साथियों के साथ हुए इस जुल्म को देखकर वहां खड़े भारतीय सिपाही भीतर ही भीतर दुख और गुस्से से परेशान हो उठे। उसी दिन शाम को जब मेरठ छावनी के बाकी सिपाही बाजार में घूमने गए तो सभी ने उन्हें नफरत की निगाह से देखा। लो, ये आ गए बड़े सूरमा, अंग्रेजों के गुलाम। इनके भाई जेल में बंद हैं और ये यहाँ मूछे तानकर मक्खियाँ मारने आए हैं। मक्खियाँ मारने नहीं, चूड़ियाँ पहनने आए हैं। हाँ, अरे तो देर किस बात की है, लो भैया पहन लो चूड़ियाँ। सिपाहियों के लिए ये अपमान बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। बैरकों में उसी रात गुप्त सभाएं हुई, न कोई सो सका न किसी को चैन आया। 9 मई की ही रात को सिपाहियों ने दिल्ली के नेताओं को खबर भेज दी कि हम विद्रोह कर रहे हैं और कल या परसों तक दिल्ली पहुंच रहे हैं। अब हमारे लिए 31 मई तक रुकना मुश्किल है। 10 मई 1857, उस दिन रविवार था। मेरठ शहर के अंदर नगर निवासी और हजारों हथियारबंद ग्रामवासी इकट्ठा हो रहे थे। उधर छावनी में वो सुबह आई जिसका क्रांतिकारी सिपाही सारी रात बेताबी से इंतजार करते रहे थे। उनका दल सबसे पहले जेलखाने की ओर बढ़ा। उन्होंने जेल की दीवार तोड़ दी और जेल में घुस गए। उन्होंने बंदी बनाए सिपाहियों की बेड़ियां काट दी और उन्हें मुक्त किया। जेल के जेलर भी क्रांतिकारियों से मिल गए थे। उन्होंने न तो कोई विरोध किया और न अंग्रेज अफसरों को खबर ही दी। इसके बाद सारे क्रांतिकारी सिपाही अंग्रेजों का खात्मा करने के लिए दौड़ पड़े। हिंदू, मुसलमान, पैदल, सवार और तोपखाने के सिपाही सभी विद्रोही हो उठे। सब तरफ एक ही नारा गूंज उठा। उस दिन मेरठ में बहुत से अंग्रेज मारे गए। बंगलों, दफ्तरों और होटलों में आग लगा दी गई। शहर और छावनी दोनों जगह भयंकर विद्रोह छिड़ चुका था। तारों को काट दिया गया था और रेलवे लाइन पर क्रांतिकारी सिपाहियों का पहरा लगा था। 11 मई 1857 की सुबह 8 बजे क्रांतिकारियों का दल दिल्ली पहुंचा। वे 10 तारीख की रात को ही मेरठ से चल दिए थे। दिल्ली के क्रांतिकारी नेताओं को तो उनके आने की खबर थी, लेकिन अंग्रेज अफसरों को कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही अंग्रेज फौजी अफसर कर्नल रिपले को खबर मिली, वो 54 नंबर देसी पलटन को लेकर मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। अपने भारतीय सिपाहियों को मुकाबले में देखकर मेरठ के क्रांतिकारियों ने हर हर महादेव, अल्लाह हु अकबर, अंग्रेजी राज का नाश हो, बहादुर शाह जफर की जय, ऐसे नारे लगाए। अपने सामने खड़े आजादी के दीवाने सिपाहियों को देखकर 54 नंबर पलटन के दिल में भी राष्ट्रीयता जाग उठी। वे मेरठ के सिपाहियों से लड़ने की बजाय गले मिलने लगे। कर्नल रिपले ये देखकर घबरा गया। वो भागना चाहता था पर क्रांतिकारी सिपाहियों ने उसे मार दिया।
अब दिल्ली और मेरठ के क्रांतिकारी सिपाहियों ने कश्मीरी दरवाजे से दिल्ली में प्रवेश किया। उधर बहादुर शाह जफर और बेगम जीनत महल ने सोचा कि अब 31 मई तक इंतजार करना ठीक ना होगा। अगर अंग्रेजों को मौका मिल गया तो वो क्रांति को दबा देंगे। शाम तक मेरठ की पैदल सेना और तोपखाना भी दिल्ली पहुंच गया। लाल किले में पहुंचकर क्रांतिकारी सेना ने बहादुर शाह जफर के नाम 21 तोपों की सलामी दी। बहादुर शाह के पास पहुंचकर क्रांतिकारी सिपाहियों ने उन्हें सलाम किया और मेरठ का हाल सुनाया। मेरा खजाना खत्म हो चुका है, मैं आप लोगों को तनख्वाहें कहाँ से दूंगा? हम लोग हिंदुस्तान भर के अंग्रेजी खजाने ला लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। अगर आप लोगों में कुर्बानी का इतना हौसला है तो मैं आपका साथ दूंगा। वैसे आप जानते हैं कि मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ, इसलिए आपको अपना रहनुमा तो चुनना ही होगा। बहादुर शाह जफर की जय! बहादुर शाह जफर की जय! एक बार फिर लाल किले पर बहादुर शाह जफर का हरा और सुनहरा झंडा फहरा उठा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के तमाम खजाने, बैंक, इमारतें आदि अपने कब्जे में ले लिए। जहां जो अंग्रेज मिला उसे कत्ल कर दिया गया। 11 मई से 16 मई तक दिल्ली में अंग्रेजों का कत्लेआम हुआ। दरियागंज के तमाम अंग्रेजी बंगले जला दिए गए। अब बारी थी दिल्ली के शस्त्र भंडार की, जिसमें करीब 9 लाख कारतूस, 10,000 बंदूकें और बहुत सा गोला बारूद था। यहाँ पर 9 अंग्रेज सिपाहियों का पहरा था। वे किसी भी हालत में ये शस्त्र भंडार क्रांतिकारी सेना को सौंपने को तैयार नहीं थे। आखिर क्रांतिकारी सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। वे 9 अंग्रेज सिपाही ज्यादा देर टिक न सके। उनमें से एक अंग्रेज सिपाही ने शस्त्र भंडार में आग लगा दी। इससे इतना भयानक विस्फोट हुआ कि वे 9 अंग्रेज सैनिक, 25 हिंदुस्तानी और करीब 300 दिल्लीवासी मारे गए। 16 मई 1857 को दिल्ली शहर कंपनी के हाथों से पूरी तरह आजाद हो गया और सम्राट बहादुर शाह जफर का शासन स्थापित हो गया। बहादुर शाह जफर ने सबसे पहले बरेली के बहादुर बख्त खां को सेना की कमान सौंपी और उसे प्रधान सेनापति बनाया। इस मौके पर बहादुर शाह ने बख्त खां से कहा, बहादुर, मुझे तुझ पर बड़ा भरोसा है, मुझे तुम खुदा हवाले करो और यहाँ मैदान जंग में कुछ करके दिखाओ। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने देशवासियों के नाम एक पैगाम प्रसारित किया। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जिस कीमत पर और जिस जरिए से भी हो सके फिरंगियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए जिस इंकलाब जंग की शुरुआत की गई है वो तब तक फतेहयाब नहीं हो सकती जब तक कि कोई ऐसा शख्स जो इस तहरीक के तमाम बार को अपने कंधों पर उठा सके और तमाम कौम का नुमाइंदा कहला सके मैदान में आकर इस इनकलाबी जंग की कयादत अपने हाथ में न ले ले। बहादुर शाह ने यह भी ऐलान किया, अंग्रेजों को मुल्क से निकाल दिए जाने के बाद अपने जाती फायदे के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की बाखुदा मेरी जरा भी ख्वाहिश नहीं है। याद रखें, खुदा ने इंसान को जितनी भी नेमतें अता की हैं उसमें सबसे बड़ी बरकत आजादी है, इसलिए हमें हर कीमत पर अपनी आजादी की हिफाजत करनी है। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आपसे ये भी वायदा करता हूँ कि मुल्क से अंग्रेजों के निकाल दिए जाने के बाद
मैं अपने तमाम शाही अख्तियारात कौम के उस शख्स को सौंप दूंगा जिसे आप लोग चुनेंगे। क्रांति की चिंगारी सारे देश में फैल चुकी थी। दिल्ली के सेनापति ने तमाम देश के बहादुर फौजों को संगठित करने के लिए खत भेजे। उन खतों में लिखा गया था, भाइयों, दिल्ली में अंग्रेजों के साथ जंग हो रही है। खुदा की दुआ से हमने अंग्रेजों को जो पहली शिकस्त दी है उससे वो इतना घबरा गए हैं जितना किसी दूसरे मौके पर इन शिकस्तों से भी ना घबराते।